गाइस, आज हम यहाँ पे जावा मोटर्स पे और आज ऑफिशियल लॉन्च हुआ है जावा की 3 न्यू बाइक्स का। एक तो है जावा ESD रोडस्टर, ये क्रूजर बाइक है। दूसरी है जावा स्क्रैम्बलर। तीसरी बाइक भी आई है इनकी, जावा एडवेंचर बाइक है वो, ESD एडवेंचर। वो भी यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो पहले अभी हम इन दोनों का वॉक अराउंड देखते हैं और देखते हैं दोनों बाइक में क्या क्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं जावा रोडस्टर से। ये है पहली बाइक जावा ESD रोडस्टर। सो इसका ये हेडलाइट है, ये पूरा LED है और यहाँ पे हेडलाइट इसका थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द स्क्रैम्बलर मॉडल। एंड इसमें वाई शेप है, पूरी LED लाइट है। इंडिकेटर आपके ब्लैक है, ये थोड़ा हार्ले डेविडसन लुक इंस्पायर्ड है। साइड में आते हैं, साइड में पूरा लुक दिखा दो। इसका इंजन काइंड ऑफ पेराक जो आता है वही है, इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं वैसा ही है। एंड इसका जो ये डिज़ाइन है स्क्रैम्बलर से डिफरेंट है, स्क्रैम्बलर थोड़ा बॉक्सी है जो आपकी पुरानी ESD में आता था रोड किंग में, वैसा ही है जैसा कि रोड किंग में आता था वैसा ही है। इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग जावा बाइक्स आ रही हैं पेराक वैसा ही है। यहाँ पे इसका न्यू लोगो है रोडस्टर और जो वाई है ये एक बर्ड सिंबल है जो ESD का ही है लोगो ही है। जो टेल लाइट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल न्यू है, ये भी ये LED है, बाकी ये आपके नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर्स हैं। पीछे आपको डिस्प्ले मिलेगा। पीछे इसका टायर देखें तो 130/80/70 130 सेक्शन चौड़ा है, 130 mm एंड 17 इंच इसका रेडियस है। फ्रंट का टायर देखें तो फ्रंट है हमारे पास 100 सेक्शन, 100/90/18, सो ये 18 इंच का टायर है एंड 100 इसका बेस है 100 mm। अब इसका ऊपर से बैठ के देखते हैं कैसी है। तो ये इसका कॉकपिट व्यू है, ये हैंडल बार इसका, ये पूरे डायल्स हैं ताकि आप इसका स्पीडोमीटर कंट्रोल कर सकें। एंड यहाँ पे इसका इंजन किल बटन, ये हैजार्ड लाइट ऑन करने का है, साथ में ये पावर स्टार्ट, जो ब्रेक्स आपके नॉर्मल है। इसके पास इसका डिजिटल है, ठीक है। इसका टैंक है, टैंक इसका पहले उतना ही है जितना पहले आता था, बट अब ये गाड़ी थोड़ी टॉल है, ऊंची है एज कम्पेयर टू द पुरानी जावा। इसका रोड प्रेजेंस अब ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसकी जो सीट हाइट है अप्रॉक्स 780 mm होगी। एंड अब रिव्यू करते हैं स्क्रैम्बलर।